पॉइंट्स मैं बताना चाह रही हूँ जो आप सभी नोट कर लीजिए. जिन रूल्स का आप पालन करेंगे तो आपकी साधना और ज़्यादा गहरी होगी, साधना अच्छी हो जाएगी. देखिए, जब भी साधना कराई जाती है तो साधना के लिए एक माहौल भी बनाया जाता है. जब तक माहौल नहीं होगा, एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाया जाएगा, साधना फलित नहीं होती. तो जितने साधक हैं, सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप अपने मन का वातावरण हमेशा पवित्र और शुद्ध रखेंगे. कोई नेगेटिव विचार मन में आता है, उसे वहीं पर स्टॉप कर दीजिए और तुरंत अपने आप को रोकें कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो गलत है. अपने विवेक का प्रयोग करें. देखिए, एक होती है हमारी सेंसेस यानी इंद्रियां, जो अपने विषयों में भागती हैं. आपको मन करेगा कुछ अच्छा खाने का, कुछ अच्छा देखने का, अच्छा सुनने का. ये हमारी इंद्रियां हैं. ऐसे ही इसके बाद आता है मन. मन इंद्रियों का राजा है. और मन के बाद आती है बुद्धि, जो आपको विवेक देती है, बताती है सही क्या है, गलत क्या है. तो जितने साधक हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे. जहाँ लगेगा अपने आप को रोक देना है, वहीं पर रुक जाएं. अति नहीं करनी, ये दूसरा पॉइंट है. किसी चीज़ में अति नहीं करनी, खाने में भी अति नहीं करनी. क्योंकि स्वाद में आकर आप कुछ ज़्यादा खा लेंगे तो स्टमक अपसेट होगा, साथ ही साथ में मन भी प्रभावित होता है ज़्यादा भोजन करने से. बाहर भी कुछ गलत नहीं खाना, सात्विकता में रहने का प्रयास करेंगे. किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी, ये ध्यान रखें. तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, कुछ समय मौन के लिए निकाल लीजिए. चाहे 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, एक घंटा. थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए. कई बार हमें लगता है ये तो आसान है, हम तो कर लेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस में आती हैं चीज़ें तो पता चलता है कि सिर्फ दिमाग तक तो बात गई है, लेकिन अभ्यास में वो चीज़ आई नहीं. और जो चीज़ अभ्यास में नहीं होती वो बड़ी कष्टपूर्ण लगती है, वो अच्छी भी नहीं लगती. तो 15 मिनट ही सही मौन में बैठे. अब मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब है कि सिर्फ वाणी ही चुप नहीं होगी, आपका मन भी, जो हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है. तो मन भी चुप हो जाए. मन कुछ बोले तो उसे बोलो स्टॉप, चुप हो जाओ, शांत शांत शांत. अपने आप को ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांत करने का प्रयास करें. तो 15 मिनट ही सही मौन. आधा घंटा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, इसका आप अभ्यास करेंगे. साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, आप जो भी एक्टिविटी करें यहाँ पर, कुछ भी, आप घूमने जाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, किसी की तरफ देखते हैं, तो हर समय ईश्वर की अनुभूति आपने करनी है कि चारों ओर इस जगत में परमेश्वर का प्रकाश फैला हुआ है. वह ज्योति है जो हर समय मेरी रक्षा करती है. इतनी पावन है, इतनी पवित्र है. मैं जब देखता भी हूँ तो उसी के प्रकाश से मैं देखता हूँ, और जिसको देखता हूँ वह भी उसी ज्योति का रूप है. चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है. उसकी अनुभूति कीजिए. अब फूलों को छुएंगे तो फूलों की पंखुड़ियों को छूते हुए महसूस करें परमेश्वर को, कि उसकी दिव्यता, उसकी कोमलता फूलों के माध्यम से प्रकट हो रही है. वो कितना दिव्य है. ऐसी अनुभूति भीतर से आए. आपके बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ इन छोटे छोटे नियमों से ही निकलने लग जाएगी. क्योंकि जब हम प्रेम में, शांति में, करुणा की तरफ चलते हैं तो
तो अंदर का जो दुख होता है, नेगेटिविटी होती है, वो सारी बह के बाहर चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे क्लींजिंग हो गई, शुद्धिकरण हो गया। तो सारे जगत में ईश्वर की अनुभूति। आप किसी से बात करें तो ध्यान में रख के कि दूसरे व्यक्ति का जो हृदय है उसमें प्रेम आए, शांति आए, ना कि व्यक्ति इरिटेट हो आपसे। किसी को कोई ताना नहीं, कोई इरिटेशन से बात नहीं, गुस्से से बात नहीं, प्रेम में और शांति में रहना है।